वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पिछली सरकार से ऐसे सरकार में ज्यादा काम हुआ है। राजस्व उगाही में सरकार लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने हेमंत सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात की है संवाददाता राकेश कुमार ने। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले गठबंधन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। इनके पास खाद्य आपूर्ति विभाग भी है, तो हम सीधे जुड़ते हैं सर से। सर, 4 साल किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हम आपके विभाग को देखें तो कितना डिलीवर कर पाया आपका विभाग, खासतौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग, जो कि सीधे जनता से कनेक्ट करता है सर? देखिए, मैं तो यह महसूस करता हूं कि 29 दिसंबर 2019 में हम खड़े हुए, उससे बहुत आगे निकल गए। इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग हो पाई आपकी सरकार, क्योंकि ये भी आंकड़े आए कि गुजरात से कहीं ज्यादा एम्पावर हुए हैं आप लोग? देखिए, उसमें है इकोनॉमिकली एम्पावर, कितना भी पैसा व्यक्ति को हो, उसी तरह से राज्य को हो, तो व्यक्ति को अपने को गरीब ही मानता है कि और कुछ होता, राज भी कहेगा कि हमको और कुछ होता। इस बार तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़े हैं, लक्ष्य भी आपने बढ़ाया है, लगभग 24,000 करोड़ का लक्ष्य आपका है टैक्स कलेक्शन का। उस दिशा में जो आपके प्रयास हैं वो कितना असरदार रहा अब तक, और लक्ष्य के आसपास आप कितने आ पहुंचे? एकदम करीब पहुंचेंगे, हो सकता है आगे बढ़ जाए। 31 मार्च तक हमको लक्ष्य प्राप्ति का है। अभी जो प्राप्ति हुई है इंडिकेट यही करता है वो कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, और संभावना है कि लक्ष्य से पार भी करें। हमारा जो था कमर्शियल टैक्सेस में, बैठ के जमाने में से जब GST रिजीम में आए हम, तो बहुत से लोगों ने केस किया सरकार पर कि ये वैट ज़्यादा ले रही है, सरकार ले रही है, केस किया, 1000 लगभग केस थे पेंडिंग विभिन्न कोर्टों में। तो हम लोग बैठे विभाग के लोगों के साथ, हमने कहा कि अच्छी स्थिति नहीं है कि हम टैक्स पेयर से लड़ें और टैक्स पेयर हमसे लड़े, इसको सेटल किया जाना चाहिए। तो वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम लाए, स्कीम लाए, आज फायदा हमको है कि चूंकि अगले साल चुनावी वर्ष होगा तो आपकी सरकार कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी करेगी और उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे, तो उसको उस दिशा में आपने कुछ रोड मैप बनाया है, कुछ सोचा है कैसे करेंगे? नहीं, देखिए वो सोचना तो है, ये है इलेक्शन में जाएंगे, राजनीति करते हैं तो अपने लोगों को फायदा भी पहुंचाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग पे आते हैं, डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट करता है ये विभाग। सर, उसमें कई सारी चीजें थी, चीनी देने की बात थी, दाल देने की बात थी, तो दाल क्या तमाम जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है या स्पेसिफिक अभी कुछ जिले ही है? ऐसा है कि दाल देने में थोड़ा विलम्ब हुआ, साल भर लग गया, और टेंडर का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इस बार हम लोग सुलझा लिए, अब नाफेड से दाल खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ राकेश कुमार, News 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।